बजुर्ग मेरे वीर मेरिया भैन माता गज के फतेह बुलावांगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चाह तो पी ली है पर फिर भी मैनू मेरी अपनी आवाज ही सुनी है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वीरो चलो बुलारे बहुत है तो मेरे तो बहुत वधिया बोलणगे। अपने आगू साहब भी आए आ जिवें सूबे तो भी जिले तो भी तो आपां उहनां नूं वध तों वध समां देवांगे तो सुणांगे। तो बाकी मैं अपने वीरां नूं अपनियां भैणां नूं इन्ना ही कहूंगी कि वध तों वध जिन्ना भी हो सके आपां 13 तरीक नूं दिल्ली जाण वास्ते तैयारी करनी आ, क्योंकि आपां नूं दिल्ली जाणा ही पैणा वा। इत्थे एक बनाउणा ही पैणा आपां कल्ले कल्ले रह के वेख लिया वा। पिछले 75 सालों तो सियासी वोटा भी पा के वेख लिया, हर एक सियासतदान नूं परख लिया वा, बदला लिया के भी वेख लिया वा, ते जो बदलाव उहने करन दे आ उह भी वेख लिया सारे ने। जिवें गुरदासपुर दे विच 82 साल की माता सी जिन्हों अपना निजी रंजिश दे विच लिया के ते जेल दे विच सुट्टिया गया, ते किन्ने कु करतूत दे मालक आ वी बजुर्गां दे नाल ही रंजिश कढ़न दे। अपने MLA होए जां वैसे विधायक होए जां कुछ भी आ, इत्थों तक भी जिहड़े पिंडां दे विच भी आम पार्टी दे वर्कर आ उह भी रंजिश कढ़न दे इक दूसरे दे नाल। जिन्ना चिर आपां सियासियां दे मगर तुरे फिरने आ अपना कुछ भी नहीं बन सकता, ते आपां नूं गुरु नानक देव जी दे तोरे हुए रस्ते ते चलना ही पैणा वा। वेखो कदी गुरु नानक देव जी ने कल्लिया नहीं एक इहो जिहा मार्ग आपां नूं तैयार करके दित्ता वा कि जे आपां गुरबाणी दे सिधांतां दे अनुसार चलदे जाइए ते आपां नूं दुनिया दी कोई भी ताकत नहीं हरा सकदी, कोई भी ताकत। बाकी सब तुसीं आप सियाणे जे, मेरी इन्नी मत नहीं हैगी कि मैं तुहानूं समझा सकां जां मैं कुछ कह सकां, इन्ना कुछ कहूंगी मैं। बाकी वध तों वध बीबियां भैणां अपने घरां चों वी आंढ गुआंढ वी आपां 13 तरीक नूं जिहड़ा दिल्ली जा रहे हां वध तों वध तैयारी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा।